एवरीवन, मैं सेल संदीप सर आज लाया हूं मैं आपके लिए अकाउंटिंग रेशियोज का सेकंड वीडियो। इस पूरे वीडियो में वील फोकस ऑन सॉल्वेंसी रेशियोज। अपन आज जानेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टोटल असेट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज, इसके बारे में मेरे बच्चे को चार चीजें पता होनी चाहिए, चार इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने लिख रखी है। अब मैं इन्हें समझाऊं। पहले देखो, एक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, डन। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे वो लॉन्ग टर्म के लिए मनी उठाती है, उन सोर्सेज का नाम है बच्चों, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स लेना बैंक से, पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करना, पब्लिक डिपॉजिट्स का यूज लेना, बॉन्ड्स वगैरह यूज करके मनी कलेक्ट करना, इन्हें बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आप लॉन्ग टर्म के लिए मनी ले तो रहे हो, लेकिन आप ये तो जानना चाहोगे ना कि मैच्योरिटी डेट पे, यानी जिस दिन हमें इन्हें रिडीम करना है, इनका पैसा चुकाना है, इन्हें रीपे करना है, उस दिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, कंपनी उस दिन कंपनी के पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी है या नहीं है, वो इनसे पता लगता है। ये लिखा बच्चों, इट जजेस अबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी ये एन दे कम ड्यू, यानी जब इनकी मेच्योरिटी डेट आएगी तब कंपनी इन्हें वक्त पे पैसा चुका तो पाएगी ना, ये इनसे पता लगता है। सेकंड क्या पता लगता है, ये कि हम इन्हें रेगुलरली इंटरेस्ट तो दे पाएंगे ना। तो कितनी सिग्निफिकेंस हुई बच्चे, दो। फर्स्ट, हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को टाइम पे पैसे चुका पाएंगे ना। सेकंड, हम इन्हें हर साल रेगुलरली इंटरेस्ट दे पाएंगे ना। इसीलिए बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज का एक और नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि इससे हमें हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगता है। इसके चार टाइप्स है आपके कोर्स में, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर, ये इसके टाइप्स है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो से जो हमें पता लगता है, वो हमें यह पता लगता है कि हमारे बिजनेस में जितना टोटल पैसा लगा हुआ है उसमें शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है और बोरोइंग्स का कितना पैसा है, यानी घर का पैसा कितना है और बाजार का पैसा कितना है, कर्जदारों का पैसा कितना है। घर के पैसे को अपन बोलते हैं शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्ट करा है, यानी वो जो कंपनी के असली प्रोप्राइटर है, ओनर है, और बोरोइंग्स हमने कितनी कर रखी है, यानी बाहर वालों से हमने कर्जा, जिसे अपन बोल सकते हैं डेट, कितना ले रखा है। देखो, इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच मनी हैज बीन इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यानी बिजनेस में कितना मनी इन्वेस्ट कर रखा है शेयर होल्डर ने और कितना कर रखा है डेट के थ्रू, यानी कितना हमने कर्जा ले रखा है। डन, चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट टाइप पढ़ें, जो कि है डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो पढ़ने से हमें पता लगता है कि जो भी बिजनेस कंपनी कर रही है उसके लिए जो भी मनी रिक्वायर्ड है, यानी बिजनेस करने के लिए जो भी मनी चाहिए, वो मनी हमने शेयर होल्डर्स के थ्रू कितना अरेंज करा है, यानी कंपनी के जो रियल ओनर्स हैं, कंपनी के प्रोप्राइटर्स हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं, उनके थ्रू हमने कितना मनी इकट्ठा करा है, और हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी की है, यानी हमने बाहर से, यानी आउटसाइड सोर्स से बोरोइंग्स, यानी हमने कर्जा कितना लिया है। तो सीधी बात हो गई, डेट इक्विटी रेशियो आपको सीधी बात यह बोलेगा डेट अपॉन इक्विटी, यानी आपने कर्जा कितना ले रखा है डिवाइडेड बाय आपका घर का पैसा कितना लगा हुआ है, बाहर का पैसा अपॉन घर का पैसा। बाहर का पैसा को अपन बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेट, लंबे समय के लिए लिया हुआ कर्जा। किसी भी चीज को अगर अपन लॉन्ग टर्म बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका ड्यूरेशन होता है मोर देन वन ईयर। किसी भी चीज का ड्यूरेशन मोर देन वन ईयर है तो वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब जरा लॉन्ग टर्म डेट पढ़े। लॉन्ग टर्म डेट दो टाइप्स का होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक साल से ज्यादा के लिए कर्जा लेना या एक साल से ज्यादा के लिए किसी चीज का प्रोविजन बनाना। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन कौन सी आपके कोर्स में, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लोन ऑन मॉर्गेज। मॉर्गेज यानी किसी असेट को गिरवी रखकर कोलैटरल की फॉर्म में देकर लोन लेना। ये रहे सारे लॉन्ग टर्म डेट। डन, लॉन्ग टर्म डेट दो टाइप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये लिखा मैंने वन और टू।
और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन कौन से बच्चा, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन और लोन ऑन मॉर्गेज। तो डेट इक्विटी रेशियो के न्यूमरेटर में चाहिए लॉन्ग टर्म डेट, वो ये रहा, खत्म हो गया। डिनोमिनेटर है शेयर होल्डर फंड, यानी मालिक की वर्थ क्या है, है ना। शेयर होल्डर फंड का एक नाम तो है इक्विटी, इसका एक और नाम है, बताऊं, शेयर होल्डर फंड का एक और नाम है नेट वर्थ। क्या नाम है मेरा बच्चा, नेट वर्थ। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसके भी दो सब पार्ट है बेटा, शेयर होल्डर फंड के एक पार्ट तो है शेयर कैपिटल और दूसरा पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल तो आपको भी पता है दो ही टाइप के होते हैं शेयर्स, या तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये लिखा मैंने कि शेयर कैपिटल में है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अब सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें एक नाम तो है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है मनी को सेव करना, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए मनी को जोड़ के रखना, ये होता है रिजर्व। डन। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, रिजर्व में ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ रखा है, WCR, IFR, अरे किसी भी टाइप का रिजर्व हो। रिजर्व को ये भी बोलते हैं बच्चा फंड, है ना, किसी भी टाइप का रिजर्व हो यानी फंड बना रखा हो, इट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। और एक है इसमें सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट, साल के एंड में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, PNL अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट है तो उसे ये लोग बोलते हैं सरप्लस, लॉस को ये लोग बोलते हैं डेफिसिट। प्रॉफिट यानी सरप्लस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और डेफिसिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस। डन। प्रॉफिट यानी PNL में क्रेडिट बैलेंस, ऑल्सो कॉल्ड सरप्लस, और लॉस यानी PNL का डेबिट बैलेंस, ऑल्सो कॉल्ड डेफिसिट। तो प्रॉफिट है तो अपन रिजर्व एंड सरप्लस में उसे बच्चे ऐड करेंगे, और अगर उस साल लॉस है तो अपन उसे माइनस करेंगे। इन बस दो बातों का ध्यान रखना है, आपका डेट इक्विटी रेशियो का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार रिवाइज करा दूं, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, और लॉन्ग टर्म डेट कितने टाइप का है बच्चे, दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन कौन सी थी, डिबेंचर, बैंक लोन, लोन ऑन मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, और दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के दो नाम और हैं, इक्विटी और नेटवर्थ, क्लियर। अब शेयर होल्डर फंड के दो टाइप्स, एक तो है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, जो खुद दो टाइप का है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें एक तो आता है सारे टाइप के रिजर्व्स यानी फंड्स, जैसे जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ PNL का फाइनल आंसर। स्टेटमेंट ऑफ PNL में सरप्लस भी आ सकता है, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और एक डेफिसिट भी आ सकता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डन। चलो एक बार आप सॉल्वेंसी से रिलेटेड इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, इसका बेस्ट रेशियो है 2:1, ठीक है। अब 2:1 का मतलब मैं समझाता हूं कि ये क्यों इसका आइडियल रेशियो बना। मानो आपके बिजनेस में 3 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है, 3 लाख। अब पैसा तो दो सोर्स से आएगा, या तो डेट से यानी कर्जा लेंगे, या इक्विटी से। अब आपने जो लॉन्ग टर्म डेट ले रखा था वो है मानो 2 लाख, बाहर का पैसा, बाजार का पैसा 2 लाख है, और शेयर होल्डर्स के थ्रू जो मनी अरेंज हुआ है वो है 1 लाख। अब करो सॉल्व, 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1, ये होता है 2:1 का मतलब। तो चलता है 2:1 सेफ माना जाता है, शेयर होल्डर्स को और लॉन्ग टर्म डेट्स देने वालों को यानी डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी से कोई तकलीफ नहीं है, अगर ये रेशो है तो। अब अगर ये रेशो इससे गिर जाए यानी 2:1 से कम हो, एग्जाम में आए कि ये कम हो गई, तो बोलना इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है, यानी लोअर द बेटर। जितनी डेट इक्विटी रेशो आपकी गिरेगी उतना ज्यादा लोगों के चेहरे पे स्माइल आएगी, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट्स हो चाहे वो शेयर होल्डर हो। लॉन्ग टर्म डेट गिरे यानी आपका कर्जा कम हुआ, और शेयर होल्डर फंड बढ़े इसका मतलब लोग आपकी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, बाजार में आपकी गुडविल बहुत तगड़ी है, जभी तो लोग आपके साथ परमानेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं, ना कि आपको लोन दे रहे हैं। आया समझ में, डेट इक्विटी रेशियो कम होना यानी लोन्स कम होना, शेयर होल्डर्स का बढ़ना
यानी मार्केट में गुडविल बढ़ना, रिस्क कम होना, रीपेमेंट बर्डन की टेंशन कम होना, रेगुलर इंटरेस्ट देने की टेंशन कम होना, क्योंकि लोन कम हो गए। आया समझ में? यानी अगर आपका बिजनेस 3 लाख रुपीज में चल रहा है और उल्टा हो जाए, मानो 1 लाख रुपीज तो डेट्स है और 2 लाख रुपीज शेयर होल्डर है, तो आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या आया बच्चा? 1 लाख अपॉन 2 लाख, यानी 1/2, यानी 0.5:1। आया समझ? तो अगर डेट इक्विटी रेशियो कभी भी गिर जाएगी तो सब खुश हो जाएंगे। ये रहे रीजंस। इसका रिवर्स, अगर कभी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाए तो भाई साहब ये तो बहुत बुरा साइन है, बहुत ही ज्यादा बुरा साइन है। इसका मतलब इस सबका उल्टा हो गया। इसका मतलब आपके सिर पे कर्जा है ज्यादा, आप लोन्स के पीछे चल रहे हैं, और आपके शेयर होल्डर्स हैं बाजार में कम, आपकी गुडविल बाजार में कम, आपकी रिस्क ज्यादा, इंटरेस्ट पेमेंट की टेंशन ज्यादा, मैच्योरिटी के दिन लोन्स को रीपेमेंट करने की टेंशन ज्यादा। ठीक है, तो मेरे बच्चे ने डेट इक्विटी रेशियो में भी क्या सीखा? इसने सीखा कि सिग्निफिकेंस, सॉरी, इसकी आइडियल रेशियो है 2:1। अगर ये गिर जाए तो बढ़िया है, बढ़ जाए तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़े सॉल्वेंसी रेशियो में, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। अभी अभी आपने पढ़ा डेट इक्विटी रेशियो, ये उसी का एक वेरिएंट है, यानी उसी से कंप्लीटली रिलेटेड है। नाम है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, तो फॉर्मूला भी वैसा ही है, टोटल असेट अपॉन डेट, डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट। अब आपने तो पढ़ा हुआ है लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन दोनों चीजों को ऐड करके आता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म किस चीज को बोलते थे बेटा? जो चीज हो फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा का हमने प्रोविजन बना रखा है, या एक साल से ज्यादा के लिए हमने बोरोइंग्स कर रखी है। जैसे एक बार रिवाइज करते हैं, जैसे बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लोन ऑन मॉर्गेज, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट के ये दो टाइप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इस रेशियो में क्या करना है बच्चे को? टोटल असेट्स को लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इससे क्या पता लगता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सेम वही सिग्निफिकेंस है जो डेट इक्विटी रेशियो की थी। यानी इस रेशियो को फाइंड करके आपको यह पता लग जाएगा कि जो आपके टोटल असेट्स हैं उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है और शेयर होल्डर्स ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये लिखा, दे टेल अस अबाउट हाउ मच मनी हैज बीन इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच हैज बीन इन्वेस्टेड थ्रू बोरोइंग्स। यानी कितना पैसा रियल मालिक का लगा हुआ है, जिसे बोलते हैं घर का पैसा, और कितना पैसा कर्जा का है, यानी कितना पैसा बाहर से लिया हुआ है, बस खत्म। जैसे एक एग्जांपल, मान लो अपने टोटल असेट्स है 3 लाख, टोटल असेट्स है 3 लाख के, और लॉन्ग टर्म डेट बाहर से पैसा लिया हुआ है 2 लाख रुपए, तो रेशियो क्या आई? खत्म, 3 लाख अपॉन 2 लाख, यानी 1.5:1। तो इससे ये पता लगता है कि अगर 3 लाख रुपए का टोटल असेट्स है बिजनेस में, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स 2 लाख है। एक चीज और बता देता हूं हैंड टू हैंड, अगर कोई पूछे शेयर होल्डर फंड कितना है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे बचा हुआ 1 लाख। तो आपने 3 लाख के दो पार्ट कर दिए, 2 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म डेट आ गया और बाकी 1 लाख का शेयर होल्डर फंड आ गया, और रेशो भी 2 मिनट में सॉल्व हो गई, 3 लाख अपॉन 2 लाख, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। इससे आता है टोटल असेट टू डेट रेशो, ये आया इसमें 1.5। ठीक है, अब एक बार इसका आइडियल रेशो क्या है? देखो, वैसे तो इसका आइडियल रेशो आपके कोर्स में इट इज नॉट गिवन, कोई आइडियल रेशो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर नॉलेज अपन ऐसी चीजों को पढ़ के, जो भी अपन ने डेट इक्विटी रेशियो में पढ़ा था ना अभी अभी, कि डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1, मैंने उसी के थ्रू इसका आइडियल रेशियो निकाला, यही सोच के कि अगर 3 लाख रुपए के मेरे टोटल असेट है और उसमें से 2 लाख रुपीज तक की मुझे बोरोइंग्स करना अलाउड है, तो 3 लाख अपॉन 2 लाख क्या हुआ? 1.5। यानी इसका आइडियल रेशियो अपन अपनी नॉलेज से निकाल सकते हैं 1.5:1। अब सुनना ध्यान से, इफ इट राइजेस, भाई अगर ये टोटल असेट टू डेट रेशियो बढ़ गई तो क्या होगा? अगर ये बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, बढ़ने का मतलब कि जैसे आपके टोटल असेट से 3 लाख के, ध्यान से सुनना, और आपके लॉन्ग टर्म डेट रह गए सिर्फ 1 लाख के,
सिर्फ कर्जा 1 लाख का है, जितने भी आपने टोटल असेट्स एक्वायर कर रहे हैं 3 लाख के, उसमें से 1 लाख एक्वायर कराए थ्रू बोरोइंग्स और बाकी ऑब्वियसली 2 लाख एक्वायर करें थ्रू शेयर होल्डर फंड। अब निकालो आप टोटल असेट टू डेट रेशो। फॉर्मूला होता है टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट है 3 लाख, लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख, रेशो आई 3:1, पहले थी 1.5, अब भड़के हो गई 3:1। तो सिंपल बात, इट इज अ वेरी गुड न्यूज। यानी अगर टोटल असेट टू डेट रेशो इफ इट राइजेस तो हमें खुशी है, यानी हायर द बेटर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स तो हो रहे हैं कम, 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है और हमारे शेयर होल्डर फंड है ज्यादा। इसके क्या फायदे हैं? सेम फायदे हैं जो अभी डेट इक्विटी रेशो में पड़ा था। इसका मतलब अगर कर्जा कम है तो लेस रिस्क, रिस्क कम है, आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट की जो टेंशन है कि रेगुलर ब्याज देना पड़ेगा वो टेंशन भी आपकी कम हो गई क्योंकि कर्जा कम है। आप पे रीपेमेंट बर्डन, आप पे रीपेमेंट बर्डन भी काफी कम है, रीपेमेंट की टेंशन नहीं है इतना क्योंकि लोन्स तो ले ही नहीं रखे इतने। और ऑब्वियसली आपकी मार्केट में गुडविल बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके शेयर होल्डर फंड्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये हायर द बेटर। बिल्कुल इसका रिवर्स, अगर ये गिर जाए तो टोटल असेट टू डेट रेशो बढ़े, ये बढ़े तो अच्छी चीज है, ये गिरे, ये गिर जाए तो बहुत बुरी चीज है। इसके गिरने का मतलब बिल्कुल इसका वाइस वर्सा, इसके गिरने का मतलब हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डेट्स पे डिपेंडेंट है, हमारी इंटरेस्ट की टेंशन बढ़ेगी, रीपेमेंट की टेंशन बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी, हमारी बाजार में गुडविल कम है क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स कम है। तो मैंने क्या लर्न कराया मेरे बच्चों को? मैंने लर्न कराया कि अगर ये बढ़ जाए तो हम बहुत खुश हैं और अगर ये गिर जाए तो हम बहुत दुखी हैं। डन। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों सॉल्वेंसी रेशो का थर्ड टाइप पढ़े, ये है प्रोप्राइटरी रेशो। ये भी डेट इक्विटी रेशो का ही एक वेरिएंट है, यानी उससे कंप्लीटली रिलेटेड है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, यानी मालिक ने जितना पैसा लगा रखा है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। अपन एक दो चीजें इसके थ्रू रिकॉल कर लेते हैं कि शेयर होल्डर फंड इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी, है ना, नॉलेज बढ़ती है, रिविजन हो जाता है कि शेयर होल्डर फंड को नेटवर्थ भी बोलते हैं और इक्विटी भी बोलते हैं। सेम सिग्निफिकेंस है जो डेट इक्विटी रेशो की है। इस रेशो को पढ़ने से हमें यह पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में जो टोटल मनी इन्वेस्टेड है उसमें घर का पैसा यानी शेयर होल्डर फंड्स ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है और हमने बोरोइंग्स कितनी कर रखी है, यानी हमने कर्जा कितना ले रखा है। तो मैंने सिग्निफिकेंस यहां पे सेम लिख दी क्योंकि सेम है बिल्कुल तीनों की, डेट इक्विटी रेशो की, टोटल असेट टू डेट रेशो की और प्रोप्राइटरी रेशो की। डन बच्चा, तीनों की सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली सेम कि पता लग जाएगा बिजनेस में कितना पैसा घर का लगा हुआ है और कितना पैसा बाजार का लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें काम आया शेयर होल्डर फंड एज अ न्यूमरेटर। तो मैं एक बार आपको शेयर होल्डर फंड का रिविजन करवा देता हूं। शेयर होल्डर फंड दो टाइप का होता है, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब शेयर कैपिटल खुद दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो ये रहा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का पहला पार्ट है रिजर्व, यानी रिजर्व का मतलब होता है फंड बनाना, यानी पैसे को किसी मकसद के लिए सेव करके रखना। तो रिजर्व में क्या आएगा बच्चे? ऑल काइंड ऑफ रिजर्व यानी फंड, जैसे कि जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, WCR, IFR, कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, किसी भी चीज के आगे अगर रिजर्व लग जाए या फंड वर्ड आ जाए वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। और दूसरा है सरप्लस, यानी एक कंपनी साल के एंड में स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट बनाती है, यानी खुद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें अगर फायदा है तो इट इज कॉल्ड सरप्लस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इसको हम शेयर होल्डर फंड में एड करते हैं और अगर बाई चांस साल लॉस है तो हम उसको डेफिसिट बोलते हैं, यानी PNL अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और उसको हम इसमें से माइनस करते हैं। क्लियर, ये हो गया शेयर होल्डर फंड रिवाइज कि इसके दो टाइप्स होते हैं ये रहे। अब एक बार वैसे तो क्या है बच्चा कि आपके कोर्स में प्रोप्राइटरी रेशो का कोई भी आइडियल रेशो गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। डन। बिल्कुल अगर अपन बुक्स के अकॉर्डिंग चले, आपके CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो प्रोप्राइटरी रेशो को आइडियल रेशो गिवन नहीं है, लेकिन अपन फिर भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? अपन ने जैसे पहले पढ़ा था कि टोटल असेट मानो अगर किसी फर्म के 3 लाख है
ठीक है, 3 लाख रुपीज अगर उसके टोटल असेट है और उसमें से मानो आप शेयर होल्डर फंड 1 लाख तक चलता है, आप ये सोच रहे होंगे वैल्यूज कहां से ली, ये वैल्यू मैंने ली है डेट इक्विटी रेशो से, क्योंकि आपको डेट इक्विटी रेशो गिवन है ना, आपको गिवन था कि डेट इक्विटी रेशो का आइडियल रेशो होता है 2:1, ठीक है, यानी 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म डेट चलता है तो 1 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड चलता है और टोटल असेट आ गई थी 3 लाख के। मैं उस लॉजिक से इनका आइडियल रेशो अपन ट्राई कर रहे हैं निकालने का कि टोटल असेट अगर 3 लाख है तो शेयर होल्डर फंड 1 लाख चल जाएगा, बस इससे प्रोप्राइटरी रेशो निकाल दो। प्रोप्राइटरी रेशो होता है SHF अपॉन टोटल असेट, ये रहा बच्चा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, यानी 1 लाख अपॉन 3 लाख यानी 1/3 यानी 0.33 यानी प्रोप्राइटरी रेशो यूजुअली 0.33 तक अच्छी मानी जाती है। ये पढ़ लिया अपन ने एक बार कि ठीक है चल जाएगा 0.33। अब अपन पढ़ेंगे इफ, फटाफट रिवाइज करेंगे ना, मैं चला के लिख रहा हूं कुछ चीजें ताकि आप मेरे साथ लर्न करो। इफ इट इज मोर देन 0.33 यानी मतलब इफ इट राइजेस, कि अगर प्रोप्राइटरी रेशो बढ़ गई तो क्या होगा, अरे बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशो का बढ़ने का मतलब पता है क्या होगा, देखना आप, इसके बढ़ने का मतलब है कि अगर आपके टोटल असेट 3 लाख है, ठीक है असेट तो उतना ही है लेकिन शेयर होल्डर फंड यानी प्रोप्राइटर्स ने जो मनी इन्वेस्ट कर रखा है वो 1 लाख की जगह हो जाए मानो 2 लाख, अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी अगर शेयर होल्डर फंड 2 लाख है तो कर्जा आपने सिर्फ कितना सा लिया है, 1 लाख का कर्जा कम हो गया। इधर देखो, इधर अगर टोटल असेट 3 लाख है, शेयर होल्डर फंड 1 लाख है तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे आपने कर्जा कितना लिया होगा, 2 लाख का। इधर उल्टा हो गया, आपने शेयर होल्डर फंड बढ़ा दिया तो इससे आपकी प्रोप्राइटरी रेशो बढ़ जाएगी, SHF अपॉन टोटल असेट, है ना, प्रैक्टिस हो जाए इसलिए समझा रहा हूं, 2 लाख अपॉन 3 लाख 2/3 यानी 0.67, ये बढ़ गई तो मेरा चेहरा खुश हो गया, मैं तो खुश हूं अगर प्रोप्राइटरी रेशो बढ़ जाए, इसका मतलब बाजार में हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है, हमारी गुडविल अच्छी है, जब तो हमारे शेयर होल्डर फंड ज्यादा है और हमारे इसके बढ़ने का मतलब बता रहा हूं प्रोप्राइटरी रेशो बढ़ेंगी हम खुश होंगे, क्यों होंगे, पहला पॉइंट हमारी गुडविल बाजार में अच्छी है इसीलिए लोग हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स कम है, हमारे कर्जे कम हो गए, अब हमारे कर्जे कम हो गए तो भाई साहब हमारा इंटरेस्ट का जो रेगुलर पेमेंट है वो कम हो गया, हमारा जो मैच्योरिटी के दिन लोन का जो रीपेमेंट बर्डन है रीपेमेंट बर्डन भी कम हो गया, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो गई, कोई खतरा ही नहीं है, मनी लेंडर्स हमसे खुश हैं क्योंकि कर्जा ही काफी कम है, बल्कि सारा पैसा किसने लगा रखा है, शेयर होल्डर ने। तो मेरे बच्चे ने क्या लर्न करा, ये लर्न करा कि प्रोप्राइटरी रेशो बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर प्रोप्राइटरी रेशो गिरती है तो भाई ये खतरा है, इसके गिरने का मतलब कर्जा ज्यादा और शेयर होल्डर फंड कम, ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आगे पढ़े, फोर्थ वैरायटी का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका एक और नाम है डेट सर्विस रेशो। कैसे फाइंड करते हैं, ICR देखते हैं भाई, कंपनी कहेगी हमारा इतना सारा प्रॉफिट है, ठीक है हमने इस साल इतना पैसा कमाया, इसमें से हम अभी स्टाफ को सैलरी देंगे, जगह का रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, टेलीफोन के बिल, एडवर्टिजमेंट के खर्चे एंड सो ऑन, दुनिया भर के खर्चे पहले हम पे करेंगे, फिर उसके बाद वो पैसा इतने से इतना रह जाएगा, डन, पैसा कम तो होगा ही ना खर्चे करने के बाद, लेकिन दो खर्चे नहीं करेंगे, सिर्फ दो पेमेंट्स नहीं देंगे, एक तो इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे और एक अभी गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं दे रहे, डन, यही इसका न्यूमरेटर है। यू हैव टू राइट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सारे खर्चे कर दो, प्रॉफिट में से सारे खर्चे पे कर दो सिवाय दो के, इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा, और आप इसको डिवाइड किससे करोगे, इंटरेस्ट से, यानी ICR का मतलब जितना भी तुमने पैसा कमाया है उसको जरा इंटरेस्ट से डिवाइड करो, यानी अगर मानो मेरा प्रॉफिट सारे खर्चे पे करने के बाद सिवाय इंटरेस्ट और टैक्स के, इनको पे नहीं करा, 8 लाख है, 8 लाख रुपए, ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट इस साल देना है ब्याज सिर्फ 1 लाख का, तो 8 लाख अपॉन 1 लाख कितना हुआ, 8 टाइम्स, 8 गुना, तो जो भी इंसान ने मुझे कर्जा दे रखा है, मेरे को उधार दे रखा है, उसको तो जरा सी भी चिंता नहीं होगी, वो बोलेगी मुझे कि यार ब्याज तो सिर्फ 1 लाख का है और आपके पास पैसा पड़ा है 8 लाख, तो इट्स वेरी नाइस। आया समझ में ICR क्या है, ICR ये देखता है कि आप कितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू योर इंटरेस्ट, ये लिखा दिस, ये इसकी सिग्निफिकेंस, इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच प्रॉफिट्स आर अवेलेबल
कितना प्रॉफिट अवेलेबल है टू कवर आवर इंटरेस्ट पेमेंट। और हमेशा ये स्थिति होनी चाहिए, दिस ये सिचुएशन सबसे अच्छी होती है कि प्रॉफिट हो बहुत सारा और इंटरेस्ट देना है काफी कम। ये आईसीआर पढ़ने की सिग्निफिकेंस। आया मजा? इससे क्या पता लगता है कि इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है उसके लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। इसका आइडियल रेशियो माना जाता है 6 to 7 times। यानी अगर आपको 1 lakh rupees का मानो इंटरेस्ट देना है तो एटलीस्ट आपके पास 6 lakh या 7 lakh rupees तो होने चाहिए। आगे, व्हाट इफ आईसीआर राइजेस? अगर आईसीआर बढ़ जाए तो क्या है? अरे भाई, इससे बड़ी तो अच्छी खबर ही नहीं है। बढ़िया है ना? अगर मानो एग्जाम्पल मेरी आईसीआर है 10 times, कितनी है मेरे बच्चे 10 times, इसका मतलब कि अगर मेरा इंटरेस्ट पेमेंट है 1 lakh तो भाई मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है 10 lakh। ये लोग तो मेरे से बहुत खुश रहेंगे, मेरे डिवेंचर होल्डर्स, बैंक जिन्होंने मुझे लोन दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने मुझे लोन दिया है, यानी मेरे लॉन्ग टर्म मनी लेंडर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यही वो पार्टीज है, यानी यही वो लोग हैं जो मेरी आईसीआर जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी आईसीआर जो है वो बढ़ती ही रहे, यानी मेरे पास बहुत पैसा रहे उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए। डन। चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, मैंने एक चीज आपके लिए काफी इजी करके बोर्ड पे लिख दी। जितने भी सॉल्वेंसी रेशियोज में फॉर्मूले काम आएंगे सब लिख दिए। 4 type की सॉल्वेंसी रेशियो होती है, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चारों लिख दिए मैंने। ठीक है बच्चा, शेयर होल्डर फंड कैसे फाइन करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट कैसे फाइन करते हैं, वो भी लिख दिया। एक चीज और थी सॉल्वेंसी रेशियो में जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आ सकती है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? होता है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये रहा। या फिर बच्चा शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको उस समय हेल्प करेगी। आप चाहो तो बच्चों इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चा, अब इसी कंक्लूजन पे अपन वीडियो सेकंड को एंड करते हैं। क्या सीखा मेरे बच्चों ने? सॉल्वेंसी रेशियोस के बारे में सब कुछ सीख लिया। तो अब नेक्स्ट क्या आने वाला है? नेक्स्ट वीडियो 3 में अपन पढ़ेंगे अबाउट एक्टिविटी रेशियोस। यस, इतनी सारी चीजें सिर्फ एक वीडियो में। क्या करना है उसके लिए? आपको बस संदीप सर भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।